एक बात मैं आपको बताऊं, एक ये वाक्या सुनना। एक आदमी मुल्के शाम में रहता है। भाई क्या हुआ, आप लोग किसको हाथ कर रहे हैं? खैर उसको चलने दो अपना, हम बात बहुत जल्दी खत्म करेंगे। पर आप बोलो तो अभी खत्म कर दो, खत्म कर दो अभी, सुनेंगे सब सुनेंगे। पांच दस मिनट सुनेंगे ना इंशाल्लाह। एक आदमी मुल्के शाम में, बोलो कहां पर मुल्के, ये सुनना बहुत प्यारा वाकया है। एक आदमी मुल्के शाम में, शाम यानी सीरिया, जिसको आज हम लोग क्या बोलते हैं, सीरिया। उस जमाने में एक आदमी मुल्के शाम में इतना नुकसान, कारोबार का इतना नुकसान, और कर्जे में इतना डूबा, इतना डूबा, इतना डूबा कि खाने के लाले पड़ गए। लोगों को कर्जा कहां से चुकाए, कहां पर रहने वाला वो आदमी मुल्के शाम में, सीरिया में रहने वाला, वो सफर करके मदीना आया। उस वक्त मदीने में अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला, बोलो कौन है अमीर, कौन है हजरत, वो मुल्के शाम से मालूम नहीं अपने ऊँट पे बैठ के कितने दिनों का, कितने रातों का, कहाँ सीरिया और कहाँ मदीना। लेकिन वो आदमी आए हज़रत अबू बकर के दरवाजे पर, गए और हज़रत अबू बकर का दरवाज़ा खिटखिटाया। इसी को उस वक्त सारे मुसलमानों के बादशाह कौन थे, हज़रत अबू बकर। तो दरवाज़ा खिटखिटाया, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे पर आए तो उन्होंने कहा कि मैं कलमा पढ़ने वाला एक मुसलमान हूँ, मैं मुस्तफ़ा का ग़ुलाम हूँ, लेकिन मामला ऐसा है कि मैं शाम सीरिया से आया हूँ और बहुत नुकसान हो गया, कारोबार में बहुत नुकसान हो गया, कर्जे में डूब गया, मेरे बीवी बच्चों के खाने के लाले पड़े, मैं शाम से मदीना आया, अबू बकर मेरी कोई मदद कर दो, कुछ मेरे को दे दो, मैं कर्जा चुका दूँ, नया कारोबार शुरू कर दूँ, मैं भिखारी नहीं, भीख मांगने नहीं आया, सिर्फ अपने हालात में मजबूर होकर मैं आया। हज़रत अबू बकर ने फरमाया आओ अंदर आओ। अब हज़रत अबू बकर के घर का दरवाज़ा थोड़ा अच्छा था, अंदर गए तो देखा कुछ भी नहीं। हज़रत अबू बकर ने रोते रोते कहा किससे मांगने आए हो तुम, मेरे पास मांगने आए हो, ये सोचकर मांगने आए हो कि मैं मुसलमानों का बादशाह हूँ, अमीर हूँ? अरे दो दिन हो गए मेरे घर में खाने को नहीं है, दो दिन हो गए मेरे घर में खाने को नहीं। तो वो आदमी कहने लगा फिर मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो मदीना आया था, ये सोचकर आया था कि हज़रत अबू बकर मेरी मदद करेंगे। सुनना हज़रत अबू बकर क्या फरमाते, एक काम करो उस्मान के पास चले जाओ। हजरत साथ में बोलो किन के पास चले जाओ, हजरत आवाज अभी भी नहीं आ रही, बोलो किन के पास चले जाओ हजरत। तो कहने लगे मैं तो उस्मान को पहचानता नहीं हूँ, आप कुछ लिख कर दे दो तो मैं चले जाऊँगा हजरत उस्मान के पास। हजरत अबू बकर ने फरमाया मेरे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनको कहना भी नहीं कि अबू बकर ने भेजा है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं, और उस्मान को कहना भी नहीं कि अबू बकर ने भेजा है, सिर्फ जाकर वहाँ जाकर इतना कह देना मैं गरीब हूँ, मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ, कोई भी मुस्तफ़ा का गुलाम आ जाए, उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है, बोलो सुभान अल्लाह। तो इन्होंने कहा लेकिन मेरे को तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। सुनो इन्होंने क्या कहा, मुझे तो बहुत बड़ी रकम चाहिए। क्यों बड़ी रकम चाहिए मेरे को, इसलिए कि मेरे को कर्जा भी अदा करना है, नया कारोबार भी शुरू करना। अरे कुर्बान जाओ, हज़रत अबू बकर ने फरमाया कितनी भी बड़ी रकम चाहिए उस्मान के पास चले जाओ, रकम का जिक्र मत करना और मुझे कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं, और ये भी मत कहना कि अबू बकर ने भेजा है, आप चले जाओ जहाँ तुम्हारी सोच ख़त्म होती है हज़रत उस्मान की सखावत शुरू हो जाती है, बोलो सुभान अल्लाह। अब वो आदमी गए, बोलो किनके पास जा रहे हैं ये सीरिया वाले, किनके पास जा रहे हैं हजरत। तब हजरत उस्मान के पास जाकर क्या टेंशन हुआ मालूम है, जब घर के बाहर गए तो देखा कि हजरत उस्मान तो घर में अपने बच्चों को डांट रहे, और बच्चों को क्या कह रहे, अरे मेरे बच्चों तुम दूध भी पीते हो उसमें शहद भी मिलाते हो, दूध का खर्च अलग होता है, शहद का खर्च अलग होता है, अरे खर्चा इतना करोगे तो कैसा चलेगा। अब ये बाहर खड़े खड़े सोचने लगे मुझे तो उस्मान के पास भेजा और ये तो अपने बच्चों के साथ में डांट रहे, और किसके वास्ते डांट रहे, दूध के वास्ते डांट रहे, शहद के वास्ते डांट रहे। लेकिन इन्होंने हिम्मत की, हजरत उस्मान का दरवाज़ा खिटखिटाया। भाई सब सुनना, जैसे हजरत उस्मान ने दरवाज़ा खोला कहा क्या हुआ, इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं सीरिया का रहने वाला, मुल्क शाम का रहने वाला, कर्जे में डूबा हुआ हूँ और मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, और मैं नया कारोबार शुरू करना चाहता, मैं भिखारी बनकर नहीं आया, लेकिन आप मेरी मदद कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। हजरत उस्मान ने कहा आओ आओ मेरे घर में आओ, घर में बिठाया और बिठाने के बाद कहा अपने बेटे को कहा, अरे एक बेटे को कहा जरा दूध का प्याला लेकर आओ, दूसरे बेटे को कहा शहद लेकर आओ, तीसरे बेटे को कहा कि खजूर लेकर आओ। ये सोचने लगे कि अपने बेटे को डांट रहे थे, मेरे को दूध भी पिला रहे, शहद भी दे रहे और खजूर भी दे रहे। अब सुनना,
हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अनु ने थोड़ी देर में एक ऊंट तैयार किया और ऊंट पर इतना सामान, कपड़े, बर्तन, अनाज, गल्ला और साथ में 6,000 दिरहम दिए। कितने दिरहम दिए? तो इनकी जबान से निकला, इनकी जबान से निकला कि मेरे को तो 3,000 की जरूरत थी, 3,000 दीनार की जरूरत थी, आपने तो 6,000 दीनार दे दिए। तो उस्मान ने कहा जाओ लेकर जाओ, आइंदा जरूरत पड़े तो वापस उस्मान के पास आ जाना। अब मुझे जो बात बतानी वो सुनो। मैंने ये वाक्या क्यों सुनाया? जब वो जाने लगे तो हजरत उस्मान ने कहा कि जा रहे हो? तो उन्होंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को तो मिल गया, कपड़े भी मिल गए, बर्तन भी मिल गया, अनाज भी मिल गया, सवारी भी मिल गई, फिर मेरे को 6,000 दीनार भी मिल गए, मेरे को तो सब मिल गया, मैं जा रहा हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हजरत उस्मान कहते मेरा शुक्रिया मत अदा करो, अबू बकर का शुक्रिया अदा करो जिन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। तो उन्होंने कहा मैंने तो आपको कहा भी नहीं कि हजरत अबू बकर ने भेजा है, आपको कैसे मालूम? हजरत उस्मान ने कहा हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, इन आंखों से कम देखते हैं, इन आंखों से ज्यादा देखते हैं, हम इन आंखों से बसारत से कम देखते हैं, हम दिल की आंखों से देखते हैं, ये कौन क्या सरमाया लेकर आता है। खैर अच्छा मेरे को बताओ ऐसी सखावत आज कोई करे? अरे बोलो ना, हमारे खड़ई में कोई करे? अरे कोई करे ऐसा? ऑल ओवर इंडिया में जाओ कोई ऐसी सखावत करे? नहीं करे। लेकिन एक बात आपको बताऊं, ये उस्मान इतनी बड़ी सखावत करने के बाद जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अनु का इंतकाल हो गया, अमीरुल मोमिनीन कौन बन गए? हजरत उमर। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अनु शहीद हो गए, उनके बाद में अमीरुल मोमिनीन कौन बने? बहुत पैसा, बहुत माल दौलत। अरे जब हजरत अबू बकर के जमाने में हजरत उस्मान के पास इतना माल और दौलत था, अब तो हजरत उस्मान खुद अमीरुल मोमिनीन बने हैं, सारा बैतुल माल इनके पास में है, सारी जमीन की दौलत इनके पास में है। लेकिन यही हजरत उस्मान है, पूरा मजमा सुन लो, रात के सन्नाटे में कब्रिस्तान जाते थे। बोलो कहाँ पर जाते थे? और जाके इतना रोते थे, इतना रोते थे, आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपकते थे। और एक दिन नहीं, हर रात को जब पूरे मदीने में सन्नाटा हो गया, हजरत उस्मान चुपचाप अपने घर से निकलते, कब्रिस्तान जाते और कब्रिस्तान में दाखिल होकर इतना रोते, इतना रोते, इतना रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक से आंसू के कतरे टपकते। एक मर्तबा तो किसी ने कब्रिस्तान में उनको पूछा कि उस्मान आपके सामने जन्नत का तस्कीर आता है, आप इतना नहीं रोते? आपके सामने जहन्नम का होलनाक आता है, आप इतना नहीं रोते? लेकिन कब्रिस्तान में आके आप क्यों रोते? ए सुनो, पूरा मजमा सुनो। हजरत उस्मान रोए और रोते रोते फरमाया, मैंने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हुए सुना कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है। बोलो कब्र आखिरत की मंजिलों में। हजरत उस्मान ने रोते रोते कहा, मेरे नबी ने फरमाया कोई इसमें बच गया, हर मंजिल में बच गया, लेकिन कोई इसमें पकड़ा गया, हर मंजिल में पकड़ाता जाएगा, हर मंजिल में पकड़ाता जाएगा। मेरे प्यारों ये पूरी बात हदीस पाक में, बोलो ये पूरी बात कहाँ पर है? मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। काना उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु इदा वकफ अला कब्र बका हत्ता तबुल्ल लिहयतुहु फकील लहु तज़कुरुल जन्नत वन नार फला तबकी व तबकी मिन हादा फकाल उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु समीतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नल कब्र अव्वल मंज़िल मिन मनाज़िलिल आखिरा फइन नजा मिन्हु फमा बादहु अयसरु मिन्हु व لم ينج منه فما بعده اشد من حضرت عثمان فرماتے میرے نبی نے فرمایا قبر اخرت کی منزلوں میں پہلی منزل پورا مجمع بولے جو اس میں بچ گیا بولو جو اس میں بچ گیا وہ قیامت کی ہر منزل میں اور جو اس میں پکڑا گیا چلو کون کون چاہتا ہے کہ قبر میں بچنا ہے اللہ کے عذاب سے بس آخری بات قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا नहीं पूरा मजमा बोले भाई जाना कि नहीं जाना मेरे को भी जाना है आपको भी जाना मेरे को भी मरना आपको भी मरना अरे मेरे प्यारो गुसल का पानी मेरा भी और आपका भी तैयार होगा कफन का कपड़ा मेरा और आपका दोनों का तैयार होगा हम सबको जनाजा हमारा उठेगा और जब हमारा जनाजा उठेगा हमारे घर वाले रोएंगे और हमें कब्रिस्तान ले जाया जाएगा और कब्र की अंधेरी रात में हमें कब्र के अंदर उतार दिया जाएगा सबको जाना है ना कब्र में अब कौन कौन चाहता है कि कब्र के आजाब से बचना है एक काम अल्लाह की कसम इधर देखो 5 मिनट एक काम के लिए तैयार हो जाओ मैं अल्लाह की कसम सारे उलमा के बीच में खाता हूँ एक काम कर लो
कब्र का आसाब तो दूर की बात, कब्र में आग का धुआं भी हमारे करीब नहीं आएगा। बल्कि मैं कसम खाता हूं अल्लाह हमारी कब्र को जन्नत का बाग बनाएगा। बोलो इंशाअल्लाह, आमीन बोलो। अल्लाह हमारी कब्र में जन्नत की खुशबूएं लाएगा, बोलो आमीन। अल्लाह हमारे कब्र में जन्नत का बिछौना बिछाएगा, बोलो आमीन। अल्लाह हमारे कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देगा, बोलो आमीन। एक काम करना पड़ेगा कढ़ाई वालों, अगर आप तैयार हो तो मैं आगे बोलूं, करोगे इंशाअल्लाह? क्योंकि हमारे नबी का वादा है कि कब्र का अजाब नहीं होगा अगर ये काम करोगे तो। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे भाई, तैयार है तो हाथ ऊपर रखे, बोलो इंशाअल्लाह। नहीं मैं बात खत्म कर रहा हूँ, बोलो इंशाअल्लाह। आवाज नहीं आ रही, बोलो इंशाअल्लाह। कल की फजर, बोलो इंशाअल्लाह। मौत की शाम, बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कजा नहीं होगी, बोलो हमारी नमाज। और अल्लाह की कसम हमारे नबी का वादा है जो नमाजी होगा अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना देगा, बोलो इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे नमाज, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ नीचे रखो, आखिरी बात सुन लो, हर नमाजी जन्नती है। पढ़ेंगे, बोलो पढ़ेंगे नमाज। यहाँ बहुत सारे बैठे हैं जो नहीं पढ़ते नमाज, लेकिन आज खड़े ही वाले और जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, आज सब लोग एक पक्का इरादा करें कि एक मर्द मोमिन, हमारे मोमिन की जबान इतनी पक्की जबान है, पहाड़ अपनी जगह से हटेगा लेकिन मोमिन की जबान अपनी जगह से नहीं हटेगी। आज पक्का वादा करो कि इंशाअल्लाह मौत तक हमारी नमाज कजा नहीं होगी, इंशाअल्लाह। और मैं एक आखिरी बात बता दूं जो आप सब लोग मेरे साथ में बोलेंगे, हर नमाजी जन्नती होता है। बोलो हर नमाजी, आवाज नहीं आ रही है, बोलो हर नमाजी। कुरान में लिखा, मेरे साथ में पढ़ो, अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते प्यारे प्यारे मेरे बंदे पांच वक्त नमाज की पाबंदी करे, अल्लाह फरमाता तुम जमीन पे नमाज पढ़ते जाओगे आसमानों पे जन्नत के फैसले होते जाएंगे। फिर बोलो हर नमाजी, अब साथ में ये भी बोल दो, बेनमाजी अल्लाह मेरी और आपकी हिफाजत फरमाए। पढ़ेंगे ना नमाज, पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह। आपको मालूम है बेनमाजी को जो जहन्नम में डालेंगे ना, मैंने पहले भी कलकत्ता में सुनाया था, सबसे खतरनाक जहन्नम में बेनमाजी जाएगा। ए खड़ई वालों सुनो, जिस जहन्नम में अबू जहल जाएगा, जिस जहन्नम में कारून जाएगा, जिस जहन्नम में फिरौन जाएगा, जिस जहन्नम में हामान जाएगा, हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम मेरी उम्मत का बेनमाजी भी उसी जहन्नम में जाएगा। इसलिए मेरे प्यारों सब लोग इरादा करो, नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह।